बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, इस वक्त मैं NA 125 में मौजूद हूं। 2018 में ये हल्का NA 131 था, जहां से PTI के चेयरमैन ने ख्वाजा साद रफीक साहब को जनरल इलेक्शन में शिकस्त दी थी, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में ख्वाजा साद रफीक साहब ने हुमायूं अख्तर साहब को शिकस्त दी थी। उस वक्त NA 131, अब NA 125। अवाम किसके साथ है पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वान सलाम। वोट किसका? मुख्तसर यस और नो। PTI का। ख्वाजा साहब का क्यों नहीं? क्यों? हक और सच के लिए बोलो। क्यों? हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था 92 में, जब हम लोग कराची में थे। हम लोग बेसिकली कराची में थे तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। MQM पर अपना नवाज शरीफ ने पाबंदी लगा के हर चीज़ सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था। क्यों? हक और सच के लिए बोलो। जो बंदा सही करेगा उसके लिए सही बोलो। अब अपना नवाज शरीफ बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया। अरबों खरबों रुपये जो थे ये गया तो कहाँ गया? क्या फिर पब्लिक खा गई? वो बोलते हमने नहीं खाया। 4 साल में क्या इमरान खान ने खा गया ये पैसा? ये तो जवाब देता ही नहीं है। हम क्यों नहीं रह सकते 7 लाख? जैसे सर, जब कोर्ट ने मियां साहब को बरी कर दिया तो आपको शक नहीं रहना चाहिए ना? कोर्ट तो आम बंदे को क्यों नहीं बरी करती? आम बंदे भी वाजे नहीं हुई, कुछ बोध नहीं मिलाने, तो फिर किस साहब को उंगली उठाई जा रही है? नहीं, सही सवाल है ना। आप कोर्ट ने बरी कर दिया, एक मिसाल। एक सेकंड उनको बोलने दे, बोल। आम बंदा भी जेल के अंदर है ना, उसका क्यों सुनवाई नहीं होता? वो बरी क्यों नहीं होते? बड़े बड़े लीडर क्यों बड़ी होते हैं? क्यों? वो मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्ला लेके बेटे हैं, आम बंदा आम बंदे का बेटा है, तो वो फिर आम बंदे में फिर वजीर आजम फर्क हो गया ना। फिर वो वही आए पाकिस्तान बनाने के लिए और अपना माल कमाने अब के आप लिए। है ना, जब अंदर एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मकबूल अहमद। मकबूल साहब है। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद दीन। अल्लाह ना करे, मैं और ये भूखे हो ना, हम अगर मुर्गी चोरी कर ले, हमारी नस्लें में नहीं निकलेंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मियां साहब का हक है निकलने का, क्योंकि वो मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। ऐसा ही है कि नहीं है? वोट किसका? वोट अल्लाह के जात पाक के अलावा कोई बंदा नहीं काम करने वाला। PTI का। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वोट नवाज शरीफ साहब का क्यों? वो बहुत अच्छी लीडर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, आपकी राय। वोट नवाज शरीफ साहब का। व्यूअर्स, इस वक्त मैं वाल्टर रोड पे मौजूद हूँ, बाजार में मौजूद हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर वोट सर PTI का। PTI। ब्रदर वोट नून लीग का। PTI। खान साहब जिंदाबाद। वोट इमरान खान। नून लीग नहीं? नहीं। ख्वाजा साद रफीक साहब का? नहीं। सिस्टर आपकी ओपिनियन अगर उधर मुंह करके बोल दें। इमरान खान। खान साहब ठीक है, सिस्टर ने भी कह दिया। माजी वोट क्यों पाओगे? शेर क्यों? हां शेर दा क्यों? मतलब की चंगा लगता है शेर दा? शेर दा या वीजा 100 रुपए का आप खांदे सी ते 2 रुपए साडे ते ला देंदे सी, सानू परेशानी कोई नहीं। अच्छा, 100 रुपया खा लेंदे सी? हां ते 2 ताडे ते लांदे सी? ला देंदे सी, मुल्क ते लाया। अ चल रहा है? किथे चल रहा है? यानी 100 रुपया चोरी करते सी मुख्तसर, ते 2 रुपए मेरी मां नु भी खिला देते सी? मुख्त नहीं। वे मेरी गल सुन, ए भी ओना दी हुकूमत दे विच दुख नहीं वेख्या। ते शुभाश श्री दी हुकूमत च सुख वेखे ने मेरी मां ने? PDM दी हुकूमत च? मैं वैसे पूछ रहा हां। नहीं, ओ हुकूमत जड़ी सी ना, ओ जिन्ना दी है सी ओना दी सी। ओ ओ किदी सी? हलाकू खान दी सी? हलाकू खान दी नहीं सी, जो बाइडन दी सी, इमरान खान दी सी। 16 महीने? आहो। सारी जिंदगी नहीं होए। अच्छा? हां मां जी सही कह रहे हैं। ए जड़ी दौलत बनाई है लंदन दी, खान साहब दी कोई दौलत है? शौकत खान हम 3 बन चुके ने, गद्दार ते है ना इमरान खान, क्योंकि साडे वास्ते इलाज मुहैया कर रहा है। सेहत कार्ड दा कहिंदा जलीना ने बंद करता है, तेनू एक सीयत कार्ड मिलिया सी वो भी बंद कर दिता है। चलो जो भी गए, मैं ये कहना चाहनी हां भी 100 खांदा सी 2 लांदा सी, ओदा इलाज होया सीयत कार्ड ते होया। जो ताडे मेरे वाले साहब दा सीयत कार्ड ते इलाज होया, मेरे कोल सीयत कार्ड है। ओ कहंदे नहीं झूठ है, कोई नहीं इलाज होंदा, ओ कहंदे पैसे ओ खा जांदे सी। भाई मेरा तो रुपया नहीं लगया। अच्छा, मेरा तो रुपया नहीं लगया। किस चीज दा ताडे वाले साहब दा इलाज होया? उना दे गुर्दे च पथरी सीगी। ऑपरेट दा हुंदा है, फ्री हुंदा इलाज। ऑपरेट कोई भी है, वो फ्री इलाज। अच्छा जी, तो होना नहीं है, सेहत का बंद हो गया जी। बंद कर दे, चोर लुटेरे साडे मत्थे लगे ना की गल, 16 महीने बेड़ा गर्क कर के रखता इन्होंने। नहीं साकदार साहब नु तुसी दोबारा एक दफा मौका क्यों नहीं देना चाह रहे? नितर जाओ ते हकीकत दे पीछे कुत्ते दौड़ा दईए, ए साडे हलके च बणन ना हकीकत दे पीछे छड़ांगे।
ਸਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚ ਆਏਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਗੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ रोटी देंगा साढ़े कपड़े तार के लै गया मियां साहब ने कहा अगर शबाज शरीफ कुर्बानी ना देता तो 1,000 रुपया लीटर पेट्रोल होता हाँ उन्होंने कहा जो है शबाज शरीफ आवाम को बलि का बकरा ना चढ़ाता ना तो ऐसा ही होता उसने बलि का बकरा हमें चढ़ाया है। आप गलत हाथों में खेल रहे हैं आप गलत सोच के रहते हैं इन चीजों से क्या मार देंगे गोली मार देंगे नहीं मियां साहब से प्यार करेंगे प्यार नहीं करते जिनके इशारों पे नाच रहे हैं ना पता है हमें सब ये ताकतवर सुन ले हम आपसे नहीं डरते 1% भी क्या मियां साहब डरा नहीं रहे उनसे लव करें ना वो कितनी है ये पकड़ धक्कड़ कर रहे हैं ना सारा देख रहे हैं गैर कानूनी अभी शेर अफजल मरवत को इन्होंने पकड़ लिया क्या कसूर है उसका उसने हमारी आवाज बनाया हमारे में निकला हमें बताया हमें पैगाम दिया शेर अफजल मरवत जमहूरियत के लिए खतरा था वो अच्छा, उनके बकौल नूरी के बकौल ये दहशतगर्द है अगर वो खतरा था तो दहशतगर्द ही है उनको बता रहे ये दहशतगर्द है ये हमारे खिलाफ ही है वो नहीं है वो जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा आप मियां साहब को दोबारा सोचें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें ताकि मियां साहब की कोई मोहब्बत आपके अंदर जागे मुल्क रोज तरक्की करे लो जी शबाज शरीफ साहब हम आपसे इल्तजा करते हैं जिन्हें एक तुसी पैसे पहले लुटे ने थोड़े जे होर लुटो तो दफा हो जाओ इतो तो मजीद साड़ी जान छड़ दो सानू जलील ना करो जेड़ी पॉपुलर पार्टी है उन्हें आन दो साड़ी रिक्वेस्ट है पॉपुलर पार्टी नून लीग नहीं हैगी नहीं ऐ ते इनको पूछ सबूत के तेरे को नून लीग नहीं हैगी तुसी सर्वे करके देख लो खुरम दस्तगीर साहब बंदे खड़े ठीक है खुरम दस्तगीर साहब ने कल की किया कायदे मोहतरम गुजरांवाला आपसे मोहब्बत करता है ऐ तो बड़ा सबूत की मांगोगे तुसी गुजरांवाला जेड़े पहलवाना ते मोटे मोटे होंदा ना कि नाम तक की कहंदे उनू पहलवानी ओ इन्हां दे सिरे वजण वाले हुण बस अन करीब 8 फरवरी नूं इंजी होना पहलवाना ने जिन्हां नाल कुश्ती खेलणी इन्हां नाल गुजरांवाला दे पहलवाना ने इन्हां नूं जिंदा ही गाड़ना जमीन दे विच ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀਅਰਸ ਇਹ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਰਾਈਡਰ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਲੇਕਰ ਜਾਏ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ बाइक पंचर हो जाए या कोई मसला हो जाए टायर फट जाए कहाँ से लाएं कंपनी कहती है भाई हम जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के अब हमसे कमीशन लेते हैं बस करें अपना आप खाना पीना मुश्किल है 300-400 रुपये की एक नाश्ते का एक टाइम का नाश्ता 300-400 परदेसी हैं खाना पीना मुश्किल किया हुआ इन्होंने वो 150 वाला पेट्रोल हमें अच्छा है ठीक है ये राय है हत्या के 14 रुपये पेट्रोल सस्ता भी हुआ लेकिन फिर भी आवाम का गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं हो रहा मेरी माँ वोट किसे डालेगी मेरी माँ सबसे मायूस है सर वोट पीटीआई वोट अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अल्लाह का शुक्र पीटीआई भजन ठीक है आपकी राय पीटीआई खान मियां साहब क्यों नहीं पीटीआई खान साहब ही है ना नहीं मियां साहब क्यों नहीं मैं वैसे पूछ रहा दिल काला है अच्छा दिल काला किसका आपको भी पता है मियाँ साहब तो रूहानी चेहरे वाले हैं उनको आप देखें अल्लाह का वास्ता खुदा रा कहां से रूहानी चेहरा मेरी बहन वो देखो तो सही आप अपनी आंखों का टेस्ट करवा ले मैं सजेस्ट नहीं मियाँ साहब को देख के उन पे एक आता नहीं कि कितने भोले से चेहरे भोला चेहरा नूरानी चेहरा रूहानी चेहरा एक शरीफ और एक मैं शरीफ बस उन्हें बात तो सुने मेरी बहन एक सेकंड आपने दिल काला का मेरा ये ना कहे वो ये कहने देखे एक चीज है जो मैं सबको कहती हूँ आपको 10 रुपए मिले 3 जेब में डालो 7 लगाओ अच्छा वो 7 जेब में डालता है 1 रुपए लगाता है मियां साहब जी और एटलीस्ट इमरान खान कुछ करा तो है ना उसने 2 7 वालों को दे देता है
एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, दो साल दे देता है इंटरनेशनली, तो कुछ किया है ना उसने हमारे लिए। अभी आप ये देखो कि इमरान खान के अंदर होने की वजह से तमाम बाहर के मुल्कों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। आई एम ट्राइंग टू अप्लाई आउट ऑफ कंट्री, सारे वीजाज बंद हैं इस वक्त, तमाम वीजाज। वो देखे ना मियाँ साहब आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, सॉफ्ट में जाएगा, फिर आप अप्लाई करें, आपको तो अमेरिका भी हाथों हाथ लेगा, कैनेडा भी तो लेगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि लेट पीटीआई रूल ना बाबा, मियाँ साहब पे ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी नहीं, वो रूहानी नहीं लगते बिल्कुल नहीं, कोई रूहानी नहीं है भाई, कौन सी रूहानियत है उनको, उनको देख के लगता नहीं हम मुल्कों को उनकी खिदमत करें, शुबाना रोज काम करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत फहमी है। उसने अक्वामे मुत्तहिदा में कैसे खड़ा हो गया, बहुत काम किया है सिर्फ अपने लिए, किसने, नवाज शरीफ ने कहा तुम मुझे मरवाओ, नहीं 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 हम तो डूबे हैं। मेट्रो किसने बनाई, ऑरेंज ट्रेन किसने बनाई, ये बाकी किसने बनाई, क्या मेट्रो ऑरेंज, एक मिनट एक मिनट एक सेकंड सर, ये सिस्टर चार चीजें उसने बनाई है, ठीक है दिखावे के लिए तक करते हैं, अभी भी कितने पुल बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, ठीक है सिर्फ वोटों के लिए, उसके बाद कहाँ गए, डो लाइक अदर चीजें भी तो है ना, चलो बस में चले गए, खाने को क्या है, जॉब की दर है बेटा, 3 महीने से जॉबलेस हूँ मैं, हाँ 18 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई हूँ, हाँ हुन दसो, अल्लाह आपके लिए सिस्टर आसानी करे जी, लेकिन ये बात वापस ले लो, उनका दिल काला, मुझे दुख होता है। देखो यार तुमने सुनना है नवाज शरीफ अच्छा है, तो यार दिल खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, बिल्कुल है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती ना, नहीं उनके चाहने वाले कहते हैं उनको देख के हमारा दिल करता है मुल्कों को, देखो शैतान के चाहने वाले बहुत बैठे है, तो क्या हो गया, चेले है शैतान के, क्यों नहीं है, आज से ज्यादा वोल्टन शैतान के चेलों से भरा है, सो व्हाट, आपकी राय, आपकी सिस्टर राय, वोट पीटीआई, पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद, व्यूअर्स ये अवामी राय, अवामी राय। सर अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं, नहीं नहीं सर, सर वोट, वोट जनाब इंशाल्लाह ताला ना नवाज शरीफ नो, ना जरदारी नो, ना जमात इस्लामी नो, वोट सिर्फ पीटीआई दा है, पीटीआई को क्यों सर, इमरान खान वो शेर दलेर आदमी है जिन्हें पूरे मुल्क नो जो करप्ट लोग से नंगा करता है, सारे निज़ाम नंगा करता है, और देखो उभार नहीं गया, मियां नवाज की तरफ बैठा है शेर, साढ़ा वोट ले रहा हूँ इमरान खान सर, लेकिन अगर देखो अगर करप्ट लोग होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब बरीयत मिलती है इस तरह, और सर गल है कि पैसे दे के हर चीज़ करवा लो, इतने मुल्क किन्ने पैसे दे के आया है, जी मुल्क दुश्मन ताकत ने उन्होंने देखो जो गंदे बंदे चाहिए ने जे यस कह इमरान खान यस नहीं किया सर, चले आप माशाल्लाह आपने चेहरे पे दाढ़ी भी सजाई है, हमने सारी जिंदगी जो है ना सारी जिंदगी हक सच का साथ दिया है, अच्छा एक साइड पे आप अपने दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा देखे, कहीं से लगता है उन्होंने फ्रॉड किया होगा, बहुत बड़ा फ्रॉडी आदमी है मियां नवाज शरीफ, यहाँ पीछे रहते हैं हमारे साथ, अभी मैं बुला लेता हूँ, ये रेलवे के सबसे बड़े चोर है, रेलवे में सबसे पहले चोरी इनकी शुरू हुई थी, इनके वालिद के पास ठेका था, वो जो इंजन आते थे ना सुहा उठाते सुहा, वो ठेका था इनके पास, वहाँ से पित्तल फिर लोहा फिर यहाँ पे ग्राउंड है पाथी ग्राउंड, वहाँ पे इन्होंने ये 10 स्त्री बनाते थे डेली, कुछ आलमी में जाती थी, कुछ ब्रांड रोड में जाती थी, और लोहा सारा रेलवे का था, ये वो चोर है रेलवे को, इन्होंने वहाँ से सारा कुछ। सर फिर शुबाना रोज किसने कौम की खिदमत की, दिन रात मेहनत आए हैं, क्या खिदमत की, क्या खिदमत की, मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने दिन रात काम नहीं किए, उन्होंने काम किया है मगर उन्होंने अपने लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया, मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल की बात करता हूँ, वहाँ बैठ के मरीज आए हैं जी माफ़ कर दिया, मेरी वालदा वहाँ पे 1.5 महीना 1.5 महीना रही है, हम तंग आगे पैसे दे दे के सुबह शाम सुबह 3-4 दफ़ा टेस्ट हो रहे हैं, पैसे देने मुश्किल हो गए थे, ठीक है जी हमने कहा चलो पता करते पूछे पूछा जरा, उन्होंने कहा जी सिर्फ तुम्हें रैत जी होनी टेस्टा जो रैत होनी और कोई चीज़ रैत नहीं होनी, बहुत बड़े चोर है पाकिस्तान के, बहुत बड़े चोर है, अल्लाह इनसे बना दे सर, अगर ये चोर होते तो इनके दौर में खुशहाली कैसे आ जाती, कौन सी खुशहाली आई है सर, मेट्रो और भाई मकरूज हो गए हम लोग, मुझे दे मैं भी ऐसा काम ऐसे काम शुरू कर दूंगा, मुझे 10 अरब का काम करूं, मुझे लोन लूंगा बाहर से मुल्क के लिए, दौलत अपनी बढ़ाऊंगा, ठीक है जी ये उनका काम था, ये उनका काम था ना, 10 अरब बाहर से मंगवाया इस काम में प्रोजेक्ट के लिए, 3 अरब जेब में, वहीं से वो शिफ्ट हो जाता था, 7 अरब में से जो है बाकी ठेकेदार खा गए, डिपार्टमेंट खा गए, यहाँ पर ये हाल है,
आपका दिल मुतमईन नहीं है इनसे? हमारा दिल बिल्कुल मुतमईन, हमने सारी उम्र साक्षात का साथ दिया, जब से वो संभाल ली। कहीं लड़ाई भी हुई ना, किसी से ज्यादती हो रही, 100 बंदा एक साइड पे, हम एक साइड पे खड़े हैं, उस बंदे के साथ खड़े हैं। सारी जिंदगी हमारी ऐसे गुजरी है सर। वेखो की कह रहे बुजुर्ग ने, मैं तो इन्हों की गल नहीं कह सकता, क्योंकि लेकिन तानी लगता कि मियां साहब ने तो खिदमत नहीं की थी सर। किस चीज़ की खिदमत की थी उन्होंने? मेट्रो ऑरेंज मैट्रिक मैट्रिक मैट्रो जी ओरेंज बनाई है, ओरेंज का तुम देखा कि डेफिसिट के जा रही है। लेकिन गरीब आवाम तो कहते हो, गरीब आवाम है किस वास्ते सफर कर दी? वो एक मखसूस जी अगर तुम कॉस्ट कढ़ो ना, ये जिन्हें साढ़े लाहौर द गरीब लोग ने ना 250 अरब की बनी है, ठीक है। अगर महीना 13 अरब, अगर तुम पर फैमिली एक मेहरान गड्डी दे देने, कॉस्ट घट सी अगर तुसी ओदी कॉस्ट कटो दे, ठीक है। ते किस तरह कह सकते हो की खिदमत की थी उन्होंने? वोट ताड़ा, वोट इमरान खान दा, मियां साहब दा नहीं ना, कदी भी नहीं। इस हल्के च ख्वाजा साद रफीक साहब होंदे ने, उन्होंने रेलवे नू आसमान ते पहुंचा दा सी। सर ख्वाजा साद रफीक साहब दी अगर मैं तुहानू प्रोग्रेस दसा ना, तो इस हल्के दे MLA ने, ठीक है। और अगर तुसी वाल्टन रोड दे उते विजिट करदे हो ना, ते वाल्टन रोड पिछले 15 साल दे विच नहीं बन सकिया, ठीक है। वो हुण बन रहा है, और वो भी उन्होंने डिस्पोजल ते नहीं है, ये भी केयरटेकर गौरमेंट जी है बना रही है। उस बाद अगर तुसी उन्होंने हल्के दे विच जांदे हो, फिरोजपुर रोड दे उते, सॉरी गाजी रोड दे उते, बट्टा चौक तो लैके तुसी अगर टूवर्ड्स बाहर फिरोजपुर रोड ते तुसी सफर करदे हो, 15 सालों दे विच नहीं बन सकिया। बिफोर 15 ईयर्स उन्होंने प्रोमिस किया सी एक जलसे दे विच कि मैं इनू डबल रोड बनावांगा, मैं इत्थे वो तुसी जा के चेक करो। वो ते गल्लां दी गल्लां जी, तो ख्वाजा साहब दरवाजा खटखटाणगे। हाँ जी, वक्त दा मशहूर लीडर, 3 दफा कई दफा दा वजीरे रेलवे ते वजीरे पता नहीं की उन्होंने लभे है, इन्नी सियासी वड्डी सियासी शख्सियत जो तुहाडे घर दे बाहर आणगे, वो तो दिल नरम हो जाएगा सर? नहीं होएगा, पक्की गल। हाँ जी, मैं ओदी हुण तुहानू ओदे वास्ते भी एक होर दसदा, तुसी अगर मैं काश के तुसी इत्थे विजिट करो कि जिस वक्त बारिशां हुंदियां ने, तुहानू इत्थे दे सीवरेज सिस्टम दा पता चले कि सीवरेज सिस्टम की है। लोगों के कोल पानी नहीं है पीने वास्ते, पानी वाला इतों का जिहड़ा ड्रिल किया होया पानी, वो अगर तुहानू मैं कहां ना कि तुसी आ पी लो, तुसी भी नहीं पीओगे, ठीक है। इस तरह का यानी कि पीने वास्ते पानी नहीं है, ठीक है। बेसिक जिहड़ी सहूलत है ने वो नहीं मिल रही, फैसिलिटीज नहीं है। किस तरह ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ PTI ਦਾ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਵੋਟ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਏ ਵਜਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ठीक है। अब आके वो नारा लगा रहे हैं कि जनाब ये मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं। किस चीज़ की खिदमत के लिए आए हैं आप? ये पूरी दुनिया, ये हम लोग क्या पागल हैं, ठीक है। हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये सारी की सारी बैकएंड पे क्या हुआ है। एक बंदा आता है एयरपोर्ट पे, उसे सब चीज़ें मिल जाती हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, दूसरे बंदे को आप वो जलसा करने की जो परमिशन है वो नहीं दे रहे, ठीक है। यहाँ भी आप झंडा लेके मैं अगर खड़ा होऊंगा ना, तो अभी मैं 9 मई के केस में अंदर हो जाऊंगा माजर के साथ। के लिए लंदन भागते हैं, वाम इधर तड़पती रहती है, खुद लंदन जाके इलाज करवाते, 30-40 साल घूमत की, तो इधर पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल बनाते, खुद लंदन भाग जाते, तो वाम इधर वोट लेने के लिए इधर आ गए। हाथ पे फैमिली से, अपनी फैमिली से कह रहे हो एनू तो रक्षा लेके दिता नून लीग वाले ने। वेखो इधर आओ, ये अजे भी है जेड़ा ना नून लीग, कितनी ज्यादती कर रहे हो ना। ज्यादती करदा पे है बंदा, ज्यादा ज्यादा वाल्टन का इलाका ये, अवामी राय आपको दिखाते जाएंगे। सर वोट वोट इमरान खान का भाजन है, मियां साहब का क्यों नहीं? मियां साहब ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਵੋਟ ਮੋੜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇ, ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਦਵਾਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਆਹੋ ਮੁਕਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਰੀ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਵੋਟ। ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਮੈਂ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਕੋ, ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਚੋਰ 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 नहीं, जब तक हमारी जिंदगी है इमरान खान का, और जब तक इमरान खान की जिंदगी है तब तक भी इमरान खान का। yeah!
और किसी का नहीं। वोट सर, वोट खान, अय्या का नाम बदो, अय्या का नस्ताइन। ख्वाजा साद रफीक साहब ने रेलवे की बड़ी खिदमत की है। रेलवे की इसीलिए दिवालिया हो रही है, इसीलिए बिक रही है रेलवे। जनवरी में देख लीजिएगा आपकी रेलवे पीआईए सब बढ़ गई है। बांग्लादेश की देख लें और अपनी देख लें। वो इसलिए है ना कि मियां साहब को आपने मौका नहीं दिया आने का। मियां साहब को मौका दिया 3 दफा इसलिए, अब फिर मौका दे रहे हैं और फिर जो रही सही है वो भी चली जाएगी। बताएं कौन सा काम ये सरिये बिजली कोई चीज ऐसी बता दें जो सरिये सीमेंट के बगैर मियां साहब की हो। बस ठीक है, किराए राय राय। व्यूअर्स मैं अंदर जाऊंगा अब। यहाँ पर अवामी राय आप देख रहे हैं, ये वॉल्टन का एरिया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वोट जी, वोट वोट अभी सोचा कोई नहीं। नहीं सोचा, ठीक है। वोट 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 सरेआम वोट, किसी को नहीं देना वोट, धोखा करते हैं ये। ठीक है, फारग है, सब फारग है। ठीक है सर, वोट पीटीआई का जी। मियां साहब का क्यों नहीं? नहीं जी, मियां साहब को क्यों वोट दे? मियां साहब ने पहले एस्टेब्लिशमेंट को कहा था ना कि अब उन लेवल प्लेइंग फील्ड सारी जमातों को देनी चाहिए ना। ये तो एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की बात ही ना, कभी वो मियां साहब को ले आते हैं आगे, कभी इमरान खान को ले आते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी चाहिए ना अपना आप खुद भी इस्तेसाब करें। इस हल्के में ख्वाजा साद रफीक को इज्जत दी है बक्सर, दी होगी इज्जत, लेकिन आपका वोट पीटीआई के। पीटीआई, पीटीआई, ठीक है सर। वोट नून लीग जी, नून लीग, ठीक है। वोट और सर पीटीआई, हाँ सबसे पहले घबराना नहीं, पीटीआई जिंदाबाद। नून लीग जिंदाबाद क्यों नहीं भाई? नून लीग को वोट देना ही नहीं है हमने भाई, हम पीटीआई के सपोर्टर हैं। ठीक है, जिंदाबाद। आपका वोट पीटीआई, हाँ पीटीआई, पीटीआई, ठीक है सर। आपने आपने बोल दिया, बोल दिया ब्रदर। वोट जमात इस्लामी, जमात इस्लामी, जमात इस्लामी। वाकई एक ऐसी जमात है जिसमें मरूसियत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो पॉपुलर क्यों नहीं होती अवाम में? बस ये एक सेकंड, हमारी अवाम में मैं समझता हूँ सियासी शऊर इतना नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, इतना होना चाहिए क्योंकि हम लोग ज्यादातर ये इलेक्टेबल जो लोग हैं उनको ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपकी राय, आपकी राय, आपकी राय। बाजी वोट किसके आप अगर देंगे? किसे? किसी को नहीं, अल्लाह माफ करे सबसे नाला, अल्लाह माफ, पीटीआई से भी, नून लीग से भी, अल्लाह ताला माफ करे, हमारी हमारे लोगों पे रहम करे या अल्लाह, और अच्छी हुकूमत आए। जो भी जब आप वोट नहीं देंगे मेरी बहन तो फिर हुकूमत कैसे अच्छी आएगी? आपको वोट की तो चॉइस रखनी पड़ेगी, किसी को भी दे, किसी को तो दे ना आप। अगर आप वोट ही नहीं देंगे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट की अच्छी हुकूमत आएगी? आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है और आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि हम किसी को ट्रस्ट अप नहीं करते। मियां साहब पे ट्रस्ट नहीं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। हमारा उठ चुका है ट्रस्ट सारी आवाम का, मेजोरिटी में, अपने हल्के, अपने फ्रेंड्स वगैरह का बता रही हूँ कि जब हम डिस्कस करते हमारा ट्रस्ट उठ चुका है। ठीक है, ये भी एक राय है आपकी, एक राय है। माय प्लेयर ब्रदर, वोट पीटीआई। मियां साहब क्यों नहीं? नहीं, मियां साहब को हमने देख लिया अब, मगर पीटीआई, पीटीआई। यहाँ से ख्वाजा साद रफीक साहब होते हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत की इलाके की भाई। हमने उनको भी पहले वोट दिए थे, अच्छा कुछ देखा हमने, पीटीआई, मगर पीटीआई। वोट शेर, शेर ए चीज, वोट शेर, शेर, ठीक है। आगे एक, अस्सलाम वालेकुम सर, वोट शेरे लाहौर, शेरे लाहौर कौन? मियां साहब, हाँ मियां नवाज शरीफ, हाँ पूरे पार नाल। असि आप काउंसलर है उन्होंने, काउंसलर है क्यों? हाँ। ऐसा हल्के तो नहीं, अब मॉडल टोन लगता बाहर। ठीक है, आपकी एक राय। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ब्रदर वोट पीटीआई को देंगे अगर वो लड़ेगी तो, इलेक्शन लड़ेगी तो। नहीं, इलेक्शन तो हर, यानी वोट आपका किसके लिए? वो तो लड़ेगी पीटीआई। इमरान खान जिंदाबाद। मियां साहब क्यों नहीं? क्योंकि वो चले गए थे, उन्होंने मुकाबला नहीं किया अदालतों का। आ तो गए, अब आए तब जब उनको पूरा रिलीफ मिल गया है, वो उन्होंने शेर को बंद करके अब मैदान खाली कर, मैदान मुकाबला वाला नहीं है ना, इमरान खान के साथ मुकाबला करते। व्यूअर्स इस वक्त मैं वॉल्टन के एरिया में मौजूद हूँ, कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा अवामी राय ला सके। अस्सलाम वालेकुम सर, सर वोट किसका? शेर दा, नून लीग, नून लीग, नून लीग, नून लीग, नून लीग। वॉल्टन का एरिया, नून लीग की भी आवाज, पीटीए की भी आवाज। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, मैं यकीन करें आपका फैन हूँ, मैं सारी आपकी वीडियो देखता हूँ। आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया यार, यार मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, किन कड़क कसम से मैं इस बंदे को बड़ा लाइक करता हूँ। वोट किसका आज बता रहे हैं? वोट किसका? वोट जिसके साथ आप है मैं भी उसके साथ हूँ, बस। चलो चलो चलो, एक रहे वोट सर, नून लीग, नून लीग, नून लीग, नून लीग, ठीक है। आपका वोट नून लीग, आपको बोतल चाय पिला, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का, चाचू वोट किधर?
वोट की दसी है कहंदा है दस दे चाचा यार छड़ दे यार की दस हां जी इमरान खान दा ताडे इमरान खान दा हां चलो ठीक है पीटीआई पीटीआई ये वॉल्टन का इलाका है जो आवाम बोल रही है हम वो आपको दिखा रहे हैं सर वोट इंशाल्लाह पीटीआई पीटीआई शेर क्यों नहीं शेर ने किया क्या है हैं जी क्या किया शेर ने मेट्रो ऑरेंज बिजली के माहिदे और तरक्की तो मोटरवे तो बाहर क्यों चले जाते हैं फिर तबीयत खराब हो जाती है तबीयत खराब हो जाती है हाँ चलें जी इंशाल्लाह देखते हैं जब 8 फरवरी को पीटीआई वोट पीटीआई ठीक है वोट पीटीआई अस्सलाम वालेकुम क्या अब मैं आपसे वोट का क्या पूछूं हाँ तो बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ स्पेशल अच्छा वोट वोट ये तरीके इंसाफ ख्वाजा साद रफीक साहब को क्यों नहीं ख्वाजा साहब 15 साल से इधर हैं तो उन्होंने इस इलाके की किस्मत भी तो बदली देखे बाहर तरक्याती काम हो रहे हैं उन्होंने ख्वाहिश की होगी उन्होंने माशाल्लाह ख्वाजा साहब की किस्मत बदली है हमारी नहीं बदली ख्वाजा साहब अमीर से अमीर हुए हैं वाल्टर रोड आप देख लें नहीं उन्होंने मेहनतें की है ना साथ कारोबार भी किए होंगे इसलिए पैसा आ गया होगा उनके पास इसमें क्या है तो ये आम लोगों के पास क्यों नहीं पैसा आता इस इनके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है जो ख्वाजा साहब के अंदर होंगी तो ये जितने भी नून लीग वाले सारे यही अमीर होते हैं वोट पीटीआई फिर पीटीआई इंशाल्लाह ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सर वोट वोट नून लीग का ठीक है अस्सलाम वालेकुम ब्रदर वालेकुम सलाम वोट वोट किसी को नहीं देना किसी को नहीं वोट पक्का इमरान खान का यार नून लीग का क्यों नहीं नून बकवास वो क्या है यार अभी तक ड्रामे ही देखे हैं उनके सारे अभी हम तक हमने ठीक है वोट सर ठीक है ठीक है चाचू अस्सलाम वालेकुम सर वोट ओ यार ऐसे सारा तमाशा है जी वोट का था जिन्हों साहब कहने उन्हें होना है असद बाकी तो सब ड्रामे ने लोगों के अरबा रुपया खर्च करते जे इलेक्शन तो बर्बाद करते जे कदे इलेक्शन ने अज वो अंदर है तो कल वो बाहर है ठीक है आपका ट्रस्ट नहीं है वोटिंग सिस्टम पर वो नहीं है सब ड्रामे ने सब ड्रामे ने सब ड्रामे ने आपकी राय है सर जनरल जिंदाबाद वोट आपका भी ट्रस्ट नहीं है ठीक है पैदल चलते चलते एक और एरिया आ गया है नौजवान कुछ मौजूद है यूथ वोट किसका यूथ का पीटीआई ख्वाजा साहब क्यों नहीं फादर साहब भी वो भी स्टार्टिंग से पीटीआई के साथ हैं ख्वाजा साद रफीक साहब ख्वाजा साद रफीक साहब नहीं पीटीआई वोट नून लीग वोट किसी को भी नहीं बनाई नहीं बनाई नहीं सर वोट वोट पीटीआई 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 नून लीग पीटीआई अस्सलाम वालेकुम सर वोट वोट किनको देना चाहिए आप बताएं सर मैं तो आपसे सीखने आया हूँ रहनुमाई तो आपसे लेने आया हूँ सर वोट तो जाएगा इंशाल्लाह इमरान खान को नून लीग को नहीं नून लीग को नहीं ठीक है ये एक राय है इधर नून लीग पारी वॉल्टन का एरिया एक और यूथ का वोट इमरान खान ठीक है आपकी राय सर अस्सलाम वालेकुम सर खैरियत से सर वोट सर पीटीआई का मियां साहब का क्यों नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ मियां साहब बच्चे को पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ये अब पुराने दौर चले गए हैं पुराने दौर चले गए सर बच्चे को तो मेट्रो नजर आती है ऑरेंज ट्रेन नजर आती है चीजें नजर आती हैं सर ये पहले नजर आता था अब इससे बड़ी चीजें हैं जो मुल्क को देख लेना अगर तो ये देखे ना मेरी बात सुने सीधी सी बात है पिछले 50-60 साल से ये देख लें मुल्क अगर ऊपर गया है तो मियां साहब जिंदाबाद ठीक है ना जी ज्यादातर तो यही रहे ना हुकूमत में और अगर नीचे आया है तो फैसला अब आवाम के हाथ में आपका पीटीआई 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 ठीक है यहाँ की जो फिर से एरिया पोश एरिया भी इर्द गिर्द है यहाँ इतनी आबादी नहीं होती लेकिन वोटर मौजूद है सर अस्सलाम वालेकुम सर वोट इंशाल्लाह ताला सर नवाज शरीफ को देंगे नवाज शरीफ साहब का वोट शेर को वोट देंगे यार शेर को आप इसी हलके से हैं हाँ जी इसी हलके पे ख्वाजा साहब के हलके के आपका हाँ जी बिल्कुल ख्वाजा साद रफीक ठीक है ये एक राय है इनकी राय का हम बिल्कुल एहतराम करते हैं आगे चलते जाएंगे अंदर तंदूर है वोट
वोट किसका? पीटीआई। पीटीआई का, ठीक है ठीक है। वोट नून लीग। वोट पीटीआई। वोट लुटेरों को नहीं डालना, लुटेरों को नहीं डालना, नून लीग को नहीं डालना। ठीक है, एक राय राय राय। चाचू वोट। वोट बच्चे, जिसको बच्चे कहेंगे मेरे बेटे उसको दूंगा। चाचू आपके भी तो सोचा, बड़े तो रहनुमाई करते हैं, बच्चों की रहनुमाई पे चलना बेटे। तो बच्चे तो फिर आपको पता है किसके साथ हैं? बच्चे किसके साथ हैं? बच्चे तो फिर हम तो उसके साथ हैं जो मुल्क के लिए अच्छा साबित हो। ठीक है, ठीक है ना। तो जो ऐसी भगाए भुगे उसका फायदा कोई नहीं है। वोट उसको देना है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए सही हो। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो भी होगा, मेरे बेटे जो डिसाइड करेंगे ना, हम उसी को देंगे। हैं जी, इंशाल्लाह। पीटीआई, पीटीआई मियां साहब क्यों नहीं? मियां साहब को पहले बहुत मर्तबा बारी मिल चुकी है, अब इंशाल्लाह इमरान खान की बारी है। इमरान खान को तो आपने पूरा करने नहीं दिया यार, उनका पीरियड तो पूरा करने देते आप। वो मुल्क डिफॉल्टर हो जाना था। नहीं, डिफॉल्टर नहीं होना था मुल्क, ये इन्हीं के बंदे हैं। मियां साहब कह रहे हैं 1000 रुपया लीटर पेट्रोल बिकना था अगर शबाज़े पाकिस्तान कुर्बानी ना देता। नहीं सर, शबाज़े पाकिस्तान ना क्या मानते? देखो ए मोहतरम ने मियां नवाज शरीफ की कुर्बानी दे। बिल्कुल, शरीफ खानदान तो ज्यादा आज तक किसी ने कुर्बानी दी है? तुसी दसो तुहाने दीती है की देनी? ओही तो मैं कहने ते वोट किदा? शेर दा, शेर दा ना। दसो लोकां नूं उहनां ने की की कुर्बानियां दित्तियां ने? केड़ियां? मियां शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने की सारियां दित्तियां? वीर जी एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाए ने, ए भी कुर्बानी दित्ती साडी खुशी लई बनाया। बिल्कुल बनाया है ना। हां जी, ते वड्डे वड्डे जाति उमरा, वड्डे वड्डे प्लाट सब कुछ साडी खुशी लई, अपनी खुशी लई उहनां ने कुछ कदी कुछ नहीं कीता। नहीं, अवाम की खातिर कर रहे हो जो भी कर रहे हो। जब बाहर भी गया साड़ी खुशी ले गए। आहो बिल्कुल, अही पक्के नूल ली तुसी जी। नहीं गल ते टेंशन नहीं लेना। नहीं नहीं टेंशन, जदों बाहर गए सी तुसी कितना खुश होए सी दसो? तुसी बड़े बड़े ना। हां तुसी क्या अल्लाह करे मेरी भी उम्र इन लग जाए। क्यों लग जाए? ए फिर की मोहब्बत होई? ए क्यों मोहब्बत होई? ओदे उन्ने अपनी मौत मरना, मैं अपनी मौत मरना? ए लीडर ने मोहब्बत कर दी? नहीं सर, मोहब्बत होनी चाहिए ना लीडर नाल? मोहब्बत होनी चाहिए। अब वो कहते मेरा सब कुछ तेरे पे कुर्बान, ये मोहब्बत होनी चाहिए लीडर? जान नहीं कुर्बान। आ गया सर, वोट कुछ नहीं देना किसी से भी नहीं सर। वोट वोट इमरान खान जी। ठीक है इमरान खान। सर वोट इमरान खान जी। ठीक है खान साहब, खान साहब का वोट। व्यूअर्स, संडे की वजह से यहाँ पर शॉप्स भी बंद हैं, लेकिन कोशिश फिर भी यही है कि आवाम की मैक्सिमम राय आपके सामने ला सकूं। सर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो वोट है ना, वो इनमें से किसी को भी नहीं देना चाहिए। वाय इसलिए कि जो हमारा निज़ाम है ना, वो ये है कि एक एमएनए, एक एमपीए 40 करोड़ 50 करोड़ लगा कर आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो करता है वो हमारे से आगे निकालता है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस चीज पे निजाम को चेंज करना चाहिए। जो निजाम को चेंज करना चाहिए। आप किसका वोट? मैं तो पीटीआई को वोट। नून लीग का नहीं? नहीं। मौलवी फजल रहमान साहब? नहीं। पीपल्स पार्टी? पीटीआई। वोट पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई, पीटीआई। सर वोट पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। सर वोट पीटीआई, पीटीआई। ठीक है, ये राय। चाचू वोट पीटीआई। चाचू नून लीग क्यों नहीं? मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं? शेरे पाकिस्तान, फखरे पाकिस्तान, कायदा मिलत कहंदे ने उहनां नूं? उहनां नूं बड़े बारे परख लिया यार। एक दफा और परख लो। नहीं मान लिया चाचा? नहीं पीटीआई यार। एनी दफा परखिया बुढ़ापे दे इस उम्र च फिर परख लिया चाचा? लव कर ले एक दफा। नहीं यार कप्तान, कप्तान लव जदों जदों दा गया उहने क्रिकेट से मैदान तो लेके जाएगा ना कप्तान? राय है, राय है, राय है। ब्रदर वोट पीटीआई। सर वोट? वोट इमरान खान। सर वोट? वोट सर नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का, ठीक है। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। सर वोट इमरान खान को। मियां साहब क्यों नहीं? नहीं नहीं, वो हमें अच्छे नहीं लगते। वो और कोई काम उसका क्या काम है? सब चोर है, चोरी करते भाग जाते हैं बाहर, जो जो लूटते बाहर भाग जाते हैं। मियां साहब को वोट उसमें इत्माद नहीं है रहा, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इतना सा कर लो, इतना सा भी नहीं रहा। कितना सा? किसी को इत्माद नहीं, पूरे मुल्क किसी इत्माद नहीं उसमें, कोई भरोसा नहीं, कोई इत्माद नहीं। यार वो तुम्हारे लिए आगे आप देख लें अब। नहीं हमें उसकी जरूरत ही नहीं है जी। ठीक है, राय राय राय। हमें उसकी जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत, नहीं जरूरत। कारोबारी तबका क्या कह रहे? सर वोट? हाँ जी वोट इमरान खान। मियाँ साहब नहीं? नहीं। लव नहीं मियाँ? बिल्कुल नहीं। ख्वाजा लव नहीं है? बिल्कुल। मियाँ नो लव यू टू नहीं कहना? नहीं। वोट
वोट मियां साहब। ए देखो लव यू कहने अगले आ गए ने। सर वोट इमरान खान। इमरान खान चाचू वोट इमरान खान। इमरान खान यूथ यूथ का वोट इमरान खान। इमरान खान ये अवामी राय कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों की ओपिनियन ले सकूं। सर वोट इमरान खान। ब्रदर वोट पीटीआई नून लीग या मौलवी फजल रहमान साहब जो भी आपको बेहतर लगे जिसको आप कह दें हम तो जो आप बोलेंगे हम चलाएंगे। फजल रहमान साहब ठीक है आप माशाल्लाह चेहरे से नूरानी लग रहे थे मैं कहा वही फजल रहमान के होंगे आप। सर मुझे पता आप मसरूफ हैं एक एक सेकंड दे दे मेहरबानी। वोट वोट नॉन लीग को। सर वोट नॉन लीग सानू नहीं पता। ठीक है एक राय 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 मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ सर खैरियत से अल्लाह का शुक्र। वोट वोट इमरान खान सिर्फ नॉन लीग क्यों नहीं नहीं फिर भी आजमा लिया भाई पक्का आजमा लिया पक्का कोई फर्क दिल पे दिल पे दिल पे क्या बसता है इमरान खान मियां साहब नहीं बसते हैं बस करो किन्नी को पिस्ती करानी थी उन्होंने नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। सर एक मिनट मिल सकता है अगर आप बुरा वोट देखा जाएगा अभी तो हालात क्या बनते हैं ठीक है कि नहीं 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 अब तो इलेक्शन शेड्यूल आ गया 8 फरवरी का वक्त के हिसाब से देखें वोट दिल नहीं मान रहा किसी का चले ये भी एक राय है सर वोट वोट सर किसको डाले हम कुछ समय सर आपने डालना है आपने डालना है आपने डालना है हम तो कहते हैं कि किसी को ना डालें अच्छा ठीक है राय है ये अभी इस मूड में नहीं है वोट सर अस्सलाम वोट लबैक या रसूलल्लाह लबैक या रसूलल्लाह ठीक है ये एक राय है ब्रदर यूथ वोट पीटीआई पीटीआई सर वोट पीटीआई वोट पीटीआई वोट पीटीआई पीटीआई वोट पीटीआई वोट पीटीआई आप इधर मुंह छुपा छुपा के क्यों कह रहे हैं ये ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हो पीटीआई नहीं बता सकता नहीं बता सकते खान साहब की तरह मैं भी अंदर ना चला जाऊं नहीं नहीं के ख्वाजा साहब नाराज ना हो जाए मियां साहब नाराज ना हो जाए ठीक है नहीं वैसे कोई चांस नहीं मियां साहब को या दोबारा से ख्वाजा साहब को दोबारा से सपोर्ट करने पीटीआई पीटीआई तो हो गई है चौथी बारी भी देख के क्या करना बताएं जरा क्या बनेगा यानी आप या एक सरे महल और होगा नहीं वो तो जरदारी साहब ने बनाया था वो तो इसका भी एवन फील्ड हो जाएगा सारे के केस तो जीरो हो गए केस अब क्या बनेगा एक राय है ठीक है आपकी जो इतने वॉल्यूम आए थे ख्याल से 15-16 वॉल्यूम जिसने लिखे थे इतने लंबे वो किधर गए ये राय है आपकी राय है ठीक है। जी व्यूअर्स अब मैं 7th स्ट्रीट में आ चुका हूँ वाल्टन रोड ये पहले आप अगर देखें तो सड़क के दूसरी जानिब हम थे ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये इसके भी हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे किसके दौर में शुरू हुई है किसके कहने पे शुरू हुई है लेकिन यहाँ पर असल जो मसला है वो है अवामी राय का ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चाचू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू वोट शेर। शेर अस्सलाम वालेकुम। वोट पीटीआई का सर। पीटीआई का ठीक है पीटीआई अवामी राय अवामी राय हम आपको दिखा रहे हैं सर वोट इमरान खान। ठीक है अवामी राय अवामी राय ब्रदर वोट पीटीआई। ठीक है अवामी राय यूथ वोट इमरान खान। वोट सर वोट नवाज शरीफ। ठीक है सर वोट पीटीआई। ठीक है ये अवामी राय अवामी राय यूथ यूथ खड़ी ब्रदर वोट पीटीआई। ठीक है पीटीआई मैं उधर जा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कैमरामैन साहब की आज काफी डिफिकल्ट वो विजुअल्स हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड वोट वोट नून लीग का। नून लीग का भाई वोट नून लीग। नून लीग वोट सर इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई ठीक है पीटीआई इंशाल्लाह। नून लीग क्यों नहीं सर नून लीग 18 महीने में क्या किया नून लीग ने ये तो सबको पता है ना पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बचाया मैं नहीं कहता वो कहते हैं अच्छा जी किस तरह बचाया
पेट्रोल कहाँ चला गया? पाकिस्तान को इस नौबत पे किन्होंने पहुँचाया? ये भी तो देखें ना जरा, आप ये भी तो सोचिए। वो कहते खान साहब ने पहुँचाया, खान साहब ने चार महीने किए, सिर्फ चार साल। तो ये करने वाले ये हैं। अब वो अपने 16 महीने के भाई की कारकर्दगी दिखाए ना वाम को, जो कहते हमने डिफॉल्ट बचा लिया। क्या डिफॉल्ट पे? वो जब गया था तो उस वक्त पाकिस्तान के में कितना पैसा था, अब इन्होंने वो भी खा लिया। ये सब कुछ करके इन्होंने बर्बाद करके, तो कहते जी इमरान खान कर गए। उसको मौका दिया इन्होंने, कहा मौका दिया। आपकी राय ठीक है, एक राय। वोट इमरान खान, जिंदाबाद। ठीक है अगर सबसे वोट नौजवान जेल में बैठे शेर का। जेल में कौन सा शेर होता है? जिसको इन्होंने कैद किया हुआ है। चले एक राय। अफराद ने आप पूछेंगे नाम लूम अफराद कौन है? नहीं, मैं नहीं पूछता। आपको सब मालूम है सर? नहीं, नहीं, मैं नहीं पूछता, मैं नहीं पूछता। नहीं, नहीं, ना, आप पूछे तो सही कौन है नाम? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछ भी सकते आप। नहीं नहीं, चले कौन है? डरते हैं यार। कौन है, कौन है? सबको पता कौन है। वोट सर टीएलपी को। टीएलपी ठीक है, ये राय है। ब्रदर एक मिनट मिल सकता है? अगर बुरा ना माने, अगर कहते मैं बैठे हो जाता हूँ। वोट पीटीआई। ब्रदर वोट पीटीआई। वोट पीटीआई। बाजी वोट। सिस्टर वोट पीटीआई। भाई के कहने पे कह रही है वैसे प्रेशर। नहीं, नहीं, इमरान खान। मियां साहब क्यों नहीं? सिस्टर मुझे शुरू से नहीं पसंद वो। मियां साहब हर चीज बहुत महंगी है उनकी। मियां शुभाष साहब ने खिदमत की है पंजाब की? वैसे कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जो किया आवाम के पैसे से किया उन्होंने। जो किया आवाम के पैसे? हाँ जी, आवाम के पैसे से किया। आवाम को इतने टैक्स दिए उन्होंने, ये खिदमत है। ठीक है, खिदमत की उन्होंने बताएं। बस मेट्रो बनाई और स्टेशन बनाई, ये तो वैसे किया उन्होंने ना। ठीक है, फिर वही खा लेते हैं, वही पी लेते हैं, वही ले लेते हैं, सर्दी लगेगी ऊपर। ठीक है, किराया। वोट पीटीआई। मियां साहब क्यों नहीं? मियां साहब को पहले डॉलर से मजा नहीं आया? मजा नहीं आया। वोट का मुल नहीं पाया मियां ने? नहीं पाया। हूँ फिर पा दे मियां नू। मियां नू नहीं पाना, पा दे एक दफा लव कर मियां नू। नहीं पाया। वोट जाया करना चाहिए। क्यों? ये बंदा कोई काम के नहीं है। आपका वोट जाया करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक राय है। जो शख्स जो बोलेगा। ब्रदर वोट किसी को भी नहीं। ये ठीक, इस गली में मेरा ख्याल है काफी मायूसी है। वोट ही किसी को नहीं। सर वोट वोट को है, वोट दिया जाता है किसी जमहूरियत के अंदर। ये कौन सा यहाँ पे कौन सा वोट? सर आप देंगे मियां साहब को देंगे आएंगे, जिसको जिसको देंगे पीटीए को देंगे। वोट तो होता है, वोट का मतलब क्या होता है? अपने हक के राय इस्तेमाल करना। जी जी ऐसे ही है, वो हक के राय इस्तेमाल करना होता है जमहूरियत के अंदर। यहाँ पे कौन सी जमहूरियत है जहाँ पे वोट का क्या फायदा है? यहाँ पे जमहूरियत हो वहाँ पे वोट दिया जाता है ना। यहाँ पे सर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, 8 फरवरी की डेट है। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मेरी रहनुमाई कर दें। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वोट तो दिया जाए जमहूरियत हो, जहाँ पे जमहूरियत ही नहीं है वहाँ पे वोट किसको देना है? क्यों देना है वोट किसी ने? यहाँ पे जिन्होंने जिसको लाना है उसको ले आना है। आपके मेरे वोट का क्या होना है? जैसे पहले लेके आए थे जैसे पहले खान साहब को लेके आए, उससे पहले मियां साहब को लेके आए, जिसको भी लेके आए वो खत्म हो गई। ठीक है ना, ठीक है। ये मेरा भाई है, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर पीटीआई को वोट डालेंगे फिर ठीक है, अगर किसी को डालेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर नहीं डालना। आपका वोट पिछली दफा जो है ना वो भाई नजर आ रहा है, चेहरे से नजर आ रहा है। पिछली दफा तो मैं कहता हूँ गलती है। क्वालिफिकेशन क्या है आपको पता चल जाएगा वोटर किसका है? एक वजीरम का काम क्या होता है पहले ये बताएं। सिर्फ इतना पूछ लें क्वालिफिकेशन भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या? मुझे मैं अभी नहीं उससे ये एमए होंगे उससे वोट का तल्लक ही नहीं है। नहीं नहीं, क्वालिफिकेशन मैटर तो मास्टर को मास्टर करना नहीं आया जिसने इसको मास्टर कराया। मेरे भाई पता क्या है, खुद मास्टर नहीं है। पता क्या है, ये इनका काम है मैटर के सारे, ये पता चल जाएगा वोट किसका है। वो है इनकी काम पे टांगरी थी, इनको पता ही नहीं है इनके लीडर को। ये सर टाटा वोट। हाँ जी टाटा वोट। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को देंगे। पीटीआई को तुसी? मैं तो तौबा कर ले, क्वालिफिकेशन पूछ ले भाई से, भाई की क्वालिफिकेशन पूछ ले, वोट का पता चल जाएगा किसका है। क्वालिफिकेशन का वैसे वोट से क्या ताल्लुक? वैसे ये कराए दे रहा हूँ ना इनसे, भाई से पूछ ले। ये इनका लीडर भी ऐसा ही ना, काम पे टांगरी थी तो नहीं नहीं ठीक है, पर्सनल बातें नहीं होना चाहिए। आगे 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 आगे। अस्सलाम वालेकुम सर वोट। सर एक ही बंदे पूरे पाकिस्तान में बदवैया के नजदीक और कौन है यार? इमरान खान की बंदे खान साहब और कौन है? और कोई नहीं, और कोई नहीं है। थोड़ा सोच लो, हो सकता कोई और हो। मगर कोई नहीं है, वाहिद लीडर है इमरान खान। उसने ऐसे क्या किया जो आप कह रहे हो वाहिद है सिर्फ? मौलवी फजल रहमान साहब भी मुस्तकबिल है यार, वो बच्चों हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। वो एक बंदे है जो ना खाते है ना किसी को खाने देते है। यार खान साहब के पास किस चीज की कमी है? कोई चीज की कमी है उसके पास? किस लिए आए हैं बच्चे, किस लिए छोड़े हैं?
हमारी खातिर, हमारे बच्चों की खातिर, वो वाहिद लीडर है। ये वैसे नून लीग वाले कहते हैं वो इस मुल्क का खत्म करने के लिए आया है, वो अपने वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए आया है। तो नून लीग सालों में है 35 सालों में क्या किया ने इमरान खान इया था नाबूद नुबाद तेरा बात कोई नहीं मारे मुल्ले तेरी बेहतर है वही है इमरान खान आप इमरान खान को इमरान खान इमरान खान इंशाल्लाह और आएगा अल्लाह के हुक्म से आएगा अल्लाह की गैबाना मदद होगा खान साहब मदद होगा गैबाना मदद। आप किस तरह कह सकते थे वसूख से भजन वो सच्चाई बंदा है वो उसकी नियत साफ है वो वाहिद लीडर है खान साहब जिंदाबाद वो देर में डाले जा वो लोहे जा दौल जाएगा वो नहीं उधर बैठा हुआ अपने मुल्क में नवाज शरीफ को देते निकल गया था दस दिन बाद ही निकल गया नवाज शरीफ की तो तबीयत लाला खराब हो गया था ना भजन जो बंदा अपनी बेगम जब जनाजे पे नहीं आ सकता वो मुल्क की क्या हिफाजत करेगा वो मुल्क का क्या दिफा करेगा। नहीं वो कहता है मुझे मेरे बेगम बीवी बच्चों से ज्यादा आप अजीज है पाकिस्तान अजीज है नहीं अगर अजीज हो तो भागता ना ये बाइल डोल दिया था तब जेल में गया था ठीक है किराए है चाचू वोट इमरान खान को चाचू वोट वोट हाँ जी किसी को नहीं मायूसी सबसे किसी को भी नहीं मायूसी पीटीआई पीटीआई भाजी वोट किसको आप किसे देंगे मैं वैसे कह रहा हूँ अभी तो किसी को भी नहीं दे रहा बनता किसी को माजी माजी आप क्या बता सकते बंदा ऐसे ही नहीं नहीं अगर है सर्वे और तो कोई नहीं अगर नहीं कहना कोई भी नहीं पसंद है क्या हाँ जी शेर को तो नहीं देंगे शेर को नहीं आपको मरियम आपी की सलाहियतों पे यकीन नहीं नहीं आपको है नहीं जी आपको है लग रहा है ये तो आजाद न्यूज़ वाले नहीं मैं वैसे सवाल किया ना नहीं उनको नहीं देंगे अभी वैसे किसी के ऊपर यकीन नहीं रहा नहीं उन्होंने डूबती जमहूरियत को सहारा नहीं दिया था मरियम आपी ने मुझे तो नहीं लगता कोई यकीन नहीं है वो आएंगी तो खवातीन के हकूक भी बेहतर हो जाएंगे मेरा ख्याल आपको नहीं लगता वो तो अपने हकूक की सही निभाएंगी अभी तो अच्छा शेर का वोट नहीं है नहीं शेर का नहीं है ठीक है वोट इमरान खान ठीक है व्यूअर्स प्रोग्राम वोट इमरान खान वोट शबाज शरीफ ठीक है नून लीग की वोट इमरान खान वोट इमरान खान बस ये सर्वे था मैक्सिमम कोशिश की कि मैक्सिमम आरा आपके सामने ला सकें आप जिस मर्जी को वोट डालें ये फैसला आपने खुद करना है लेकिन एक बात याद रखिएगा आपका जो वोट है इट मैटर्स अ लॉट।